ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम धर्मशाला में आवासहीनों के लिए आवास तो तैयार है, लेकिन अब निगम को पात्र खरीदारों का इंतजार है। जानकारी के अनुसार जब पूर्व में धर्मशाला नगर परिषद थी, उस समय शहर के आवासहीनों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए शहर के 144 के लगभग पात्र लोगों ने आवेदन किया था। नगर निगम धर्मशाला में आवासहीनों के लिए आवास तो तैयार है, लेकिन अब निगम को पात्र खरीदारों का इंतजार है। जानकारी के अनुसार जब पूर्व में धर्मशाला नगर परिषद थी, उस समय शहर के आवासहीनों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए शहर के 144 के लगभग पात्र लोगों ने आवेदन किया था। नगर निगम भरने के बाद प्राप्त आवेदनों की छंटनी करके 96 आवेदनों को स्वीकृत किया गया था, जिनके लिए धर्मशाला के चिरानखट के समीप आवास निर्मित किए गए हैं। आलम यह है कि फ्लैट जहां बन चुके हैं, वहीं इन्हें खरीदने के लिए पात्र रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जिन पात्रों को फ्लैट स्वीकृत किए गए हैं, वे 1.5 लाख रुपए की राशि का ड्राफ्ट देकर कब्जा ले सकते हैं, लेकिन अभी तक मात्र 4-5 लोगों ने ही इसमें अपनी रुचि दिखाई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र सरकार की आवास योजना के तहत मिलने वाले फ्लैट के प्रति भी लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि नगर निगम को विश्वास है कि शीघ्र तैयार हो चुके फ्लैट की खरीद को लोग आगे आएंगे और पात्रों को इसका लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि इन आवासों का निर्माण इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किया गया है। नगर निगम धर्मशाला के मेयर देवेंद्र जग्गी ने कहा कि निगम की ओर से आवास देने के लिए जो पात्र लोग चिन्हित किए गए थे, उन्हें पैसा जमा करवाने को सूचित कर दिया गया है, जिससे कि फ्लैट उनके नाम किए जा सके। अभी तक 4-5 लोगों की ओर से ही ड्राफ्ट आए हैं। उम्मीद है कि शीघ्र ही काफी लोग इसमें रुचि दिखाएंगे और इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। देखिए, हम लोगों ने जो जितने लोग आइडेंटिफाई किए थे, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि वो पैसे यहाँ पे जमा करवाए और उसके बाद उनको फ्लैट उनके नाम कर दिए जाएंगे। तो अभी तक तो हमें 4 या 5 लोगों के ही हमें ड्राफ्ट आए हैं और धीरे धीरे हमने काफ़ी मैसेज लोगों किए। मुझे लगता है कि शीघ्र ही बाकी लोग भी इसमें पैसा जमा करवाएंगे।